बुढ़िया मान जा, क्या तू इतनी बेइज्जती करा रखी है मेरी भी और मेरी पत्नी की भी। अब की बार तूने ऐसा करा ना तो तेरे को घर से बाहर निकाल दूंगा। साले माँ है ये तेरी, माँ को घर से निकाल देगा, घर से निकाल देगा माँ को। 15 मिनट हो गए ड्रामा, इधर आ, आराम से खड़ा रहे। नहीं मैं तेरे को क्या परेशान करती हूँ, जब मैंने तेरी खुद लव मैरिज करवाई है। बता वो मैं तेरी बहू मुझे कितना तंग करती है, मैं क्या करूँ बता। मैं रोज कितना रोज, कितना बोल चुकी हूँ मैं तेरे को, रोज रोज का हो गया। मैं जब भी मैं घर आऊँ बहू ये कर रही है, बहू वो कर रही है, बहू परेशान कर रही है। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा बेटा, ऐसा करके मुझे क्या मिलेगा बता। तूने परेशान कर रखा है, परेशान कर रखा है। तेरी माँ के पैर में रोड डली हुई है, ऑपरेशन हो रखा है, पता है ना तुझे। वो इससे पोचा मरवाती है, दो दो मंजिल के घर में ये पोचा मारेगी। मैं कितनी परेशान हूँ इसको पता भी नहीं है, बिल्कुल वो इतना परेशान करती है मुझे। जब मैं आता हूँ तब तक तुम्हें खाना परोसती है, तब तुम्हारी सेवा करती है, तेरे सामने करती है सब कुछ, सामने करती है। हाँ, तुझे कुछ नहीं पता बेटे। माँ झूठ तो नहीं बोल रही तू? मैं फिर क्यों बोलूंगी बेटे, मुझे क्या मिलेगा झूठ बोल। माँ झूठ बोलेगी, यहाँ पे बैठ जा चुपचाप। मैंने तेरे को बचपन से बात बोल के बैठो बैठो, आओ आंटी बैठो एक बार, पता चलेगा अभी तू एक बार कैमरा ऑन हो चुका है। कर दे भाई कैमरा ऑन। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मेरे साथ में है बबलू। आंटी नाम बता दो अपना। मेरा नाम पिमला है। आंटी आराम से खुल के बोलो, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। तो दोस्तों आंटी की कुछ प्रॉब्लम है, मेरे दोस्त ने आंटी से मेरा कॉन्टैक्ट कराया था, तो ये दोनों माँ बेटे हैं, तो आंटी अपने बेटे को लेके आई है यहाँ पे। ये आने के लिए एग्री तो नहीं था लेकिन इसको लेके आए हैं यहाँ पे। तो आंटी जो प्रॉब्लम है ना आपके साथ वो एक बार बता दो, और तू ना चुप बैठे रहिए, बता दो एक बार हमारे व्यूअर्स को। बेटा प्रॉब्लम ये, इसने बोला मुझे वो लड़की पसंद है मेरी, लव मैरिज करा दो, तो मैंने करवा दी। हाँ। बिल्कुल करवा दी। मैंने कहा बेटा जैसे तू खुश है मैं तेरी खुशी में खुश हूँ, मैं खुश हूँ नहीं बहू आई, मैं बहुत खुश थी। मगर जैसे मेरा बेटा काम पे जाने लगा, बहू मुझे बहुत तंग करती, बहुत तंग करती, ये मानता नहीं उस बात को, बिल्कुल भी सुनता नहीं। क्या 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 करवाती है आपसे, क्या चीजें करवाती है? बर्तन मंजवाती, सफाई करवाती, कपड़े धुवाती, मेरी टांग का ऑपरेशन हो रखा, मुझसे काम नहीं होता बेटे, मैं तब भी करती हूँ, मुझे इतनी गाली देती है, मारती पीटती है। शर्म नहीं आती नजरे और चुरा रहा है, हैं? शर्म आ रही है, इसलिए लव मैरिज की थी तूने? ये समझता ही नहीं, मतलब तूने अपनी लव मैरिज का दिया जला लिया कि आके वो मेरी माँ को परेशान करे घर में, हैं? शर्म आ रही है तुझे? आंटी वो आ रही है आपकी बहू, आपने कॉल कर दिया उसके पास? मैंने कॉल किया उसको कि तू आ जा बेटे घर पे, कोई बात नहीं। क्या बोल के बुलाया आपने? मैंने ये बोल के बुलाया कि बेटे मैं नीचे गिर गई, मेरी टांग में चोट लग गई, तू आ जा। अच्छा अच्छा, तो वो आ रही है। अब वो आ रही है। ठीक है दोस्तों, जब तक वो नहीं आ जाती कैमरे को साइड में करते हैं, मिलते हैं उनके आने के बाद। हाँ बुढ़िया, तू तो कह रही थी तू गिर गई, मुझे तो नहीं लग रहा तू कहीं से गिरी हुई दिख रही है। मैं गिर गई बेटे, मेरी टांग में बहुत दर्द है, तुझे क्या पता। अच्छा तेरी टांग का मतलब, तू कितने बहाने करती है मुझे ये तो बता। बहाने नहीं कर रही बहू, बहाने नहीं, घर में भी यही मैं बहाने नहीं कर रही, बैठ गई यहाँ पे भी तेरा यही बहाना। देख ना मेरी टांग को देख, कितनी सूजी हुई है, तूने देखी है? हाथ लगा के देखूंगी, देख तो सही ना, मैं इतनी गिरी हुई होगी तेरी टांग का हाथ लगा के देखूंगी अब मैं। नहीं तो क्या हो गया, तू एक बार पूछ तो लिया कर माँ तू कैसी कैसी नहीं है। अच्छा माँ, माँ जैसे गुण है तेरे अंदर? हाँ है तेरे अंदर गुण माँ जैसे, माँ बताती है अपने आप को। तू अपनी माँ को माँ नहीं समझती क्या? मेरी माँ तक मत जा है? मेरी माँ तक मत जा, समझ में आ गई बात तुझे? नहीं तू बहू होके कैसे बात करती, मैं तेरी सास हूँ ना। देख बुढ़िया मुझे परेशान मत किया कर, समझ में आ गई बात तुझे? और तू यहाँ पे कर क्या रही है मुझे ये बता, मेरे टांग में इतना दर्द है, मैं आगे बैठी मैं क्या करूं, क्या करूं बता। टांग भी टूटी हुई है बता, तू यहां सैलाब में घूम भी रही है, कहां घूम रही हूं? नहीं हो रहा तेरी टांग में दर्द? मैं परेशान होके बैठी हूं यहां पे, परेशान होके बैठी हूं बहुत ज्यादा। अच्छा यहां पे घूमने से तेरे परेशान, तू परेशान नहीं हो रही? घर में बैठे बैठे घर में काम करने से तू परेशान होती है? क्या काम करूं? झाड़ू पोछा बर्तन कौन करेगा, कौन मेरे करेगा? से नहीं होता इस उम्र में काम, मेरे से इस उम्र में काम नहीं होता। मैं करूंगी क्या है, तूने ये समझा मैं करूंगी बाबा? मेरे से इस उम्र में काम नहीं होता। हाँ भाई क्या बात है? कुछ नहीं, बात क्या है? तो फिर जाए यहाँ से। क्यों तुझे क्या मतलब? तो तू यहाँ पे क्यों खड़ा है? अरे भाई तेरा पार्क है, तेरी जगह खड़ा हो लेना, मेरी मर्जी जहाँ पे खड़ा हूँ मैं, कहीं और नहीं खड़ा हूँ, तू जाना फिर कहीं और।
बकवास कर रही है। चल बुढ़िया घर चल तू, ठीक है बेटा ये चल। हेलो ओए अच्छा निकाल लेके जा रही है इनको, क्या है कहाँ लेके जा रही है? कहीं भी लेके जाऊँ, घर लेके जा रही है। तुझसे क्या मतलब? मुझे क्या मतलब? और एक तो इस ट्यून को थोड़ी कम कर ले, ठीक है? अगर मैं चिल्लाने लग गया ना तो तेरे कानों के पर्दे फाड़ दूंगा। मेरी आवाज ही ऐसी है, समझ में आई बात? जा निकल जाए यहाँ से, मुझे तेरे से कोई बात ना करनी, ठीक? बीच में ना पड़े यहाँ पे। चल बढ़िया लाके चल, इसको समझ में। ये तेरा टाइम अच्छा है जो मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। अच्छा हाँ ठीक है, तेरा टाइम भी अच्छा है, तेरे जैसे होने बात ना करती। अच्छा बात ना करती, चल ठीक है बात मत कर, मुझे बात भी नहीं करवानी तेरे से कि तू मुझसे बात क्यों बोल रहा है। क्यों बीच में खड़ा है आके? तू बीच में क्यों खड़ा है आके? फिर आंटी को क्यों परेशान कर रही है? आंटी मेरी, आंटी तेरी, बता तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? आंटी नहीं तेरी सास है, और सास माँ के समान होती है। अच्छा। तू क्यों परेशान कर रही है? माँ के समान होती है तो ले जा घर पे, ले जा घर पे, अपने घर ले जा। तुझे जरूरत नहीं है, मेरा घर है ना, मैं खुद जाऊं। तुझे इससे क्या प्रॉब्लम? मुझे जरूरत है या नहीं है, तुझे क्या लेना देना इससे? आंटी आपके पैर में दर्द हो रहा है, आप बैठ जाइए। घर चल बुढ़िया। अरे बताऊं, घर चल बुढ़िया, हाथ नहीं लगा देगी। पागल है क्या? हाथ किस उठाया तूने? बताऊं कैसे उठाया तुझे? आंटी बैठो यहां पे। ओए ओए देख मेरे बीच में ना पड़, समझ में आ गई बात तुझे? मैं ये बोलने लग रहा हूँ इससे बुढ़िया बुढ़िया करके बात मत कर, अपनी माँ से ऐसी बात करती है, शर्म नहीं आ रही है, हैं? आंटी होता कौन है बीच में बोलने वाला? आपके बच्चे ने इससे कैसे लव मैरिज कर ली? बेटा मेरा बच्चा कहता बहुत अच्छी लड़की है बहुत, तो मैं अपने बेटे की बेटी खुशी खुशी में खुश। इसकी तो शादी नहीं होनी चाहिए, जिसको माँ बाप की इज्जत का किसी का कोई वो नहीं है। बाहर के लोगों को मैं बोल रहा हूँ, चुप रहे, आ जा भाई आ जा, देख ले अपनी पत्नी को, देखना उधर। हाँ भाई। अरे आप यहाँ कैसे? ये क्या ड्रामा चल रहा है? मैं कुछ नहीं, सासू माँ को लेने आई थी। मैंने कहा घर चल दो यहाँ पे, क्या कर रही हो? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सासू माँ को लेने आई है। हाँ मैं इन्हें लेने आई थी, इन्होंने आप बुलाया था, कह रहे थे पैर में दर्द है, तो मैंने कहा चलो घर पे चलते हैं। बहुत सती सावित्री बन रही है, देखा मैंने सब कुछ, वहाँ खड़े होके क्या चल रहा है और कैसे तू मेरी माँ को परेशान कर रही है? क्या कह रहे हो ये तुम? क्या कह रहा हूँ मैं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैं दिमाग तो तेरा खराब हो गया है, तेरे को बता रहा हूँ मैं तो बस इन्हें लेने आई थी। ये पता नहीं कुछ भी बोल रहा है, देख की बातों में मत आओ। सुन मेरी बात, मेरी बात कान खोल के सुन, सब हाँ। कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है, अब तूने ये झूठी जमान को बंद कर ले अपनी, समझ आ गई? साले देख तो मैं भी माँ को तो खाने को आ रहा था, इसको तू कुछ नहीं बोल रहा है? इसको लगा ना दो चार, तेरी भी औकात नहीं है इसको लगाने की। अब देख ले झूठ बोलती थी क्या? साला देख लो भाई ये कैसा है, अरे तेरी माँ को मार रही है, तू इसको कुछ नहीं बोल रहा है अभी भी। मैं सुबह से आके पार्क में बैठी, मेरे पैर में ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू क्यों? साला बेशरम लगने तो तुझे चाहिए, शर्म आ रही है तुझे थोड़ी बहुत हैं? कोई तेरे घर में तेरी माँ दादी कोई है या नहीं है, ऐसे परेशान करते हो तुम उनको? जो तुम्हारे घर में बुजुर्ग है उसको ऐसे परेशान करते हो क्या? इसने तो मेरी जिंदगी बहुत हराम कर रखी है, इसने मेरी जिंदगी बहुत हराम कर रखी है बेटा, तुझे नहीं पता। तेरे को मैं बोल सकते माँ तू चुप, थक गई तू, नहीं माना मेरी बात। अब माँ याद आ रही है, माँ मुझे माफ कर, तुझे है कुछ अफसोस या नहीं है थोड़ा बहुत? माँ मुझे माफ कर, नहीं माँ माँ रोते नहीं माँ, मुझे नहीं पता था ये ऐसी निकलेगी, मैं तेरी बात ने माँ करवाती है मुझसे बेटा। माँ 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 चुप हो जा माँ, अपनी बेटी बना के रखा था। बस 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 माँ बस, नहीं रखेंगे सर, नहीं रखेंगे। चल ठीक है भाई, चुप चुप कर ले अपनी माँ को, चुप कर ले भाई, चुप हो जा ना, चुप। दोस्तों देख लो भाई ऐसी बहू होती है, उधर कैमरा लगाए देख ले एक बार, तेरे लिए तेरा स्वागत है, ठीक है? ये क्यों लगवाया है? ये क्यों लगवाया है? ये तुम्हें एक्सपोज करने के लिए लगवाया है, पता तो लगे ना तेरे घर वालों को भी।
ये वीडियो भेजना रे, लाया लव मैरिज करके। मेरा तो मन ऐसा कर रहा है जूते निकाल के तेरा ही भर दूं अच्छा सा छोड़ सा। क्या करेगा अब इसका? डिवोर्स दूंगा इसे और क्या करूंगा? नहीं नहीं ऐसा मत करो अब। और कैसा करे, क्या करूं मुझसे गलती? लगता तो नहीं तुझे कोई मतलब अफसोस भी है इस बात का कि गलती हो गई है? मुझे तो लगता नहीं है, कोई शर्मिंदगी तेरे अंदर है? नहीं मुझे अफसोस है, प्लीज मुझे माफ। अफसोस है कहने से अफसोस हो गया, आगे से नहीं होगा कभी। पैर पड़ के माफी मांग अभी। मम्मी जी माफ कर दो मुझे। मैं तो तेरे को अपनी बेटी बना के पहले भी रखती थी, अब भी रखूंगी। मतलब हाँ मैं अच्छे से रहूंगी आगे से, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। चल बेटा तू इसको माफ कर दे, कोई बात नहीं। इतनी जल्दी आपने भी माफ कर दिया? कोई बात नहीं, ये होता है माँ का दिल। ये कोई बात नहीं बेटा तू इसको माफ। जब ये बेटी बना के तुझे रख रही है तो तू इसको माँ बना के नहीं रख सकती घर में? गलती होगी आगे से नहीं होगा। और जब तेरी कोई माँ तेरी बात तेरे को कुछ बोल रही है तो वो बात समझा कर, ठीक है जी? अगर तू पहले सुन लेता तो इतनी चीजें नहीं बढ़ती ना बेटा। माँ तेरी बात मैं अब सुनूंगा, बहुत अच्छे तरीके से सुनूंगा, मुझे भी माफ कर दे मेरे से भी। आंटी ये अच्छे से रखता है तो ठीक है, नहीं तो पुलिस कंप्लेंट करना, मुझे बताना फिर इसकी भी ऐसी तैसी मैं मारता हूँ। वो फोन रखा है किसका फोन है वो भी लेके जाओ, ठीक है जाओ। हेलो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू।